स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नए टॉपिक से बात कर रहे हैं। वैसे तो खुशखबरी की बात है कि यूपी में एक नया आयोग का गठन हो गया है। जो बड़े दिनों से चर्चा चल रही थी कि यूपी में एक नया आयोग आएगा, तब टेट कराएगा, सुपर टेट कराएगा, TET PET परीक्षा वही कराएगा, तो एक नया आयोग का गठन हो गया है। और नया आयोग गठन होने की खुशखबरी में थोड़ा जानकारी देते हैं। मान लेते पहले जो हमारा टेट कराता था वो PNP करा रहा था, यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी। अब इसकी जरा जो नया आयोग गठन किया गया वो UPESC यानी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन, इसका आयोग का गठन किया गया है। लेकिन यहां पर दुख वाली बात भी है और सुख वाली बात भी है। देखो, एक तो पहले ये बता दिया मैंने, खुशखबरी हो गई है कि नए आयोग का गठन हो गया है, तो आपको टेट, TGT और PGT की डेट मिलेगी, आपको LT ग्रेड का फॉर्म मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मिलेगा। लेकिन यहां पर एक बात ये और आ रही है, जो टेट है और सुपर टेट है, व्यक्ति जो मांग कर रहे हैं वो 97,000 की कर रहे हैं, 97,000 का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, तो सरकार इस बात को बोल देती कि अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है। TGT वाले बच्चे भी कहते हैं कि आयोग का गठन नहीं हुआ है, तो इस आयोग का गठन कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया UPESC, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन। लेकिन इस आयोग ने बड़ा एक समस्या उत्पन्न कर दी है। अब समस्या उत्पन्न करने का मतलब यह है कि इसने 3 ग्रेडों में बांटा इसको। अब पहले ग्रेड की बात करते हैं कि ग्रेड ए। अब इस ग्रेड ए में उन्होंने क्या क्या रखा है कि मान लेते हैं एक जो महाविद्यालय है महाविद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं और अध्यापक, इनकी जो भी सेवाएं और नियुक्ति की बात करेगी वो ग्रेड ए में की जाएगी। क्लियर है? अब उसके बाद उसने दूसरा ग्रेड भी रखा है, ग्रेड बी में उसने माध्यमिक शिक्षा रखी है, इसको उच्च में रख लेना आप। माध्यमिक शिक्षा के एक तो प्रधानाचार्य और अध्यापक जो लेक्चरर होते हैं, इन सब की सेवा और नियुक्ति की बात उसने किस में करी है? इसमें। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो बात करते हैं ग्रेड सी की बात करते हैं, जो मेन बात है। अब इस ग्रेड सी में उसने रखा है प्राथमिक शिक्षा को। इस प्राथमिक शिक्षा की जितनी भी सेवाएं और नियुक्ति होंगी वो कौन सा कराएगा? हमारा ग्रेड सी। नए आयोग का गठन हो चुका है, नए आयोग का नाम UPESC रखा गया है। अब UPESC ने 3 भागों में इसको अपने हाथ में ले लिया है। उससे पहले PNP कराता था, लेकिन अब ये वाला आयोग आ गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा धरना हो रहा है वो दो चीजों पर हो रहा है। एक तो TGT PGT वाले पे हो रहा है कि TGT PGT की अपडेट दीजिए। जब नए आयोग का गठन हो गया है तो TGT PGT की डेट क्लियर होने वाली, ये बात तो क्लियर। लेकिन इधर आते हैं, अब इधर जो उसने एक समस्या उत्पन्न करी है दोस्तों, वो समझना। उसने ये बोला है कि जो व्यक्ति CTET या TET पास करके सुपर TET में बैठेगा, जो व्यक्ति TET और CTET पास करने के बाद सुपर TET में बैठेगा, तो या तो CTET का या TET का 1/4 अंक मेरिट में जुड़ेगा। अब पहले मेरिट कैसी बनती थी थोड़ा देखेंगे, इधर मेरिट हम बनाते हैं। मान लेते हैं पहले 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की, फिर BEd या BTC की और सुपर टेट की। लेकिन अब किसकी जोड़ दी गई? टेट या CTET की। अब नई समस्या ये उत्पन्न होगी कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था पास कर लीजिए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना देख लेंगे, सुपर टेट में मेहनत करेंगे। लेकिन
ये जो नया आयोग आया उसने टेट और सीटेट का एक चौथाई अंक जोड़ने का कारोबार दे दिया है, लेकिन अब इसमें सिलेबस जो उसने रखा है, एक तो पेडागोजी ज्यादा रखी है, सामान्य ज्ञान रखा है और भाषा रखी है। भाषा तीनों रख दी उसने, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान और ये वाला रख दिया। अब जो मान लेते हैं एक चौथाई जो अंक जुड़ रहा है वो कैसे जुड़ रहा है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति के 120 आए अंक, 150 में से कितने प्राप्त किए उसने 120, तो 120 का चौथाई कितना होगा हमारा 30 नंबर। अगर किसी के 90 आ रहे हैं तो 90 का चौथाई कितना होगा वो इधर, अगर किसी के 100 आ रहे हैं तो 100 का चौथाई कितना होगा वो। यानी जब हमने टेट या सीटेट में जो अंक प्राप्त किए हैं उसका एक चौथाई वो सुपर टेट की जो प्राइमरी की मेरिट बनेगी उसमें जुड़ा जाएगा। अब मेरिट कैसे निकालते हैं थोड़ा इधर समझेंगे, टोटल सबका अकेडमिक भी लग रहा है। अब मान लेते हैं मेरिट कैसे बनाते हैं समझना, मान लेते किसी व्यक्ति के हाई स्कूल में आए 56%, तो उसका बनेगा 10% 5.6। अगर किसी व्यक्ति के ट्वेल्थ में आए 60% तो इसका बनेगा 6.0। अगर किसी के बीए या बीएससी में आए हैं 59% तो उसका बनेगा 5.9। अगर उसके बीएड या बीटीसी में आए हैं 70% तो 7.9। अब उसके बाद क्या होता है कि पहले ये अकेडमिक हो गई, इनको जोड़ लेते हैं, 10% सबका लग रहा है, 6, 9, 6, 15, 9, 24 का 4, हासिल को 2, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 7, 25, हाँ सॉरी 7, 9, 6, 15 ये होगा 15 का और ये होगा 24। अब उसकी अकेडमिक मेरिट तो ये लगेगी, लेकिन अब उसके बाद अगर उस व्यक्ति का सुपर टेट में मानते हैं आता था 105 नंबर, तो इस 105 नंबर का 60% कितना हो गया, मतलब 150 का ये 70% आ रहा है, 15, 7, 105। अब इस 70 पर जो 70% का 60% हम लगाते थे तो 42 नंबर आता था। दोबारा समझना, अगर किसी ने 150 नंबर का सुपर टेट दिया है और उसमें से उसके 105 आ रहे हैं तो कितने परसेंट है उसके 70% का 60% लेके हैं तकते थे 7 6 42। अब यहां पर हम 42 जोड़ देते हैं तो टोटल कितना बैठ रहा है 0.5, 4 2 6 और 4 2 6। पहले जो पीएनपी कराता तब वो ऐसे कराता था, लेकिन अब उसमें किसका अंक जोड़ दिया गया है, अब किसी ने 120 नंबर लेकर आया और उसकी मेरिट ऑल ओवर ये जोड़ रही है 66.5। अब टेट का एक चौथाई जोड़ना है, उसके 120 नंबर आए तो इसमें हमें 30 नंबर और जोड़ने हैं, टोटल कितने हो रहे हैं। अब जो मेरिट बनेगी वो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, सुपर टेट और टेट की। नए आयोग का गठन हो गया, अगर आपसे ये पूछे कि नए आयोग में कितने भागों में बांटा गया उसको, ग्रेड ई मतलब कवर, खबर या गवर कैसे, या ए बी सी, ए वर्ग में उसने डिग्री कॉलेज को रखा है जो उसकी बात होगी, बी में उसने टीजीटी पीजीटी को रखा है, लेकिन सी ग्रेड में उसने इसको रखा है कि प्राथमिक शिक्षा की सेवाएं। मेरिट बकायदा उसने बना के दिखा दिया, अकेडमी पूरी बनी रही है, लेकिन जोड़ किसको दिया टेट और सीटेट का एक चौथाई अंक बन के पूरी मेरिट बनेगी। अब जो नया सिलेबस में उसने पेडागोजी ज्यादा रखा है, सामान्य ज्ञान पूरा रखा है, सामान्य ज्ञान वो भी लेगा, अंग्रेजी भी लेगा, मानेगा नहीं, करंट सब कुछ लेगा, इक्वल ओवर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और वो जो सामान्य ज्ञान जो होता है हमारी जो विज्ञान होती है सामान्य साइंस वो रखेगा, और तीनों लैंग्वेज रखेगा, सूचना तक नहीं रख सकता, अभी उसने पूरा क्लियर नहीं किया। लेकिन एक नई समस्या ये बना दी है, कुछ लोगों ने पहले टेट पास कर लिया, 95, 97 नंबर है, 90 नंबर है, 82 जो भी कैटेगरी में आता है वो उनका रख लिए, अब उन्होंने डायरेक्ट वो सुपर टेट पर लग रहे, लेकिन ना उन्होंने अभी सीटेट डाला है, वो अगला सुपर टेट में लग रहे हैं, लेकिन जब एक चौथाई उसका मार्क्स जुड़ रहा है तो उनके लिए दुविधा तो उत्पन्न होगी, क्योंकि भाई जो लोग ज़्यादा मेरिटों से पास करेंगे, जिसके 140-140 नंबर पहले से उसने करके रख लिए
और एक के 100 नंबर 140 नंबर है, तो 140 वाले को ज़्यादा मिलेंगे, 100 वाले को कम मिलेंगे। तो अभी जो नया आयोग आया UPSC उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन ने एक नया पॉइंट बढ़ा दिया कि टेट का मार्क्स जुड़ेगा और ये वाला सिलेबस रख दिया। अब आपके लिए टेट की और सुपर टेट की वैकेंसी आने की पूरी पूरी चांस है, कभी भी आ सकती है। इधर आपके TGT की भी डेट क्लियर हो जाएगी जिन लोगों ने TGT और PGT का फॉर्म भर रखा है। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अभी टेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो पहले उसने खबर दे दी थी कि 21 जनवरी टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके साथ में किसका नोटिफिकेशन जारी होने के चांस है? धरना यह प्रदर्शन चल रहा है, अभी भी चल रहा है कि 97,000 आएगी या 57,000 आएगी। अब आप अपने दिमाग में ये बात ठानो, चाहे 97 है या 57 है, हमें तो एक सीट पे वैकेंसी पे जॉब करनी है। मेन बात यहां थी कि ये आने का मेन कारण ये नहीं था कि नए आयोग का गठन नहीं हो पा रहा था, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन कल एक नए आयोग PNP को हटाकर UPSC रख दिया गया और उसके बाद उसको ये बात कर दी गई, जब इसकी बात होगी तो इसमें जो सदस्य नियुक्त की वो इसको देखेंगे, जब TGT PGT की बात करेंगे तो ये करेंगे और उसके अलग। यानी एक प्लस पॉइंट ये भी है कि एक व्यक्ति का दूसरे पे कोई भार नहीं रखा गया। उच्च महाविद्यालय डिग्री कॉलेज वाले भी टीचर अलग रख दिए गए, TGT PGT वाले भी अलग रख दिए गए, प्राइमरी वाले भी अलग रख दिए गए। आप आराम से तैयारी में जुड़ जाएं, मेरिट में प्लस पॉइंट आपके लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। टेट और सीटेट का 1/4 जुड़ने के लिए, जिन लोगों ने BTC किया उनके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन जिन लोगों ने BTC किया उनका अकेडमिक अच्छा बन रहा है लेकिन उनका जो टेट या सीटेट 100+ पास है, तो वो थोड़ी सी और मेहनत कर लें सुपर टेट पास करके, हो सकता है उनके जिले में आसपास ही स्कूल मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा रोल इस मेरिट का होगा। लेकिन इस मेरिट को सबसे ज़्यादा ये भी करेगा प्रभावित, क्योंकि टेट और सीटेट 1/4 जुड़ रहा है, एक एक नंबर, किसी के 100 नंबर हैं और किसी के 120 नंबर हैं, 100 वाले को कितने मिलेंगे 25 और 120 वाले को कितने मिलेंगे 30, 5 नंबर का अंक ज़्यादा है। पहले यहाँ पर अकेडमी जुड़ती थी, लेकिन अकेडमी थोड़ा बहुत हो भी जाता, लेकिन ये तो डायरेक्टली एक एक दो दो नंबर को आगे लेके जा रहा है। जिन लोगों ने सीटेट पास कर रखा है या अभी फॉर्म भर रखा है तो सीटेट को थोड़ा 10-15 अच्छे से देख लें, इससे मेरिट पिछले वाले से ज़्यादा है। आप इसको देख लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।